अगर आपको कोई ऐसा इश्यू है तो आपको डॉक्टर से इलाज कराने से पहले ही बोल देना है कि भाई मेरा आर्मी का इश्यू है, अदरवाइज। इधर देखो, आग बंद करो, दांत दिखाओ। ठीक है, यूरिन वगैरह पास किया, बाथरूम किया। एक तो क्या ये बैंडेज है ना, ये तो 7 डेज रहेगी, 10 डेज बाद हटाना है। कई बार ये बैंडेज के कारण यहाँ आँख पे सूजन आ जाती है, तो अगर मान लो आ जाए तो एक ब्लेड लेके इसको जरा सा ढीला कर लेना है, चिंता नहीं करना है। कि कई बार क्या है, हमारे को घर जाने के बाद आँख पे सूजन आ जाती है तो हमें लगता है क्या हो गया। ईयर में अंदर सारा हमने काम करके एक दवा लगा के, जेल फॉर्म लगा के इसको बंद कर रखा है, तो अंदर ऐसा लगे जैसे कुछ चल रहा है, गीला गीला पटपट आवाज भी आएगी, वो नॉर्मल चीज है। और खाने पीने में बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, नॉन वेज वगैरह ये थोड़ा सा नहीं लेना, बाकी वेज फूड वगैरह सब खाना वाना सब चीज खा सकते हैं। ये जो हमारे पेशेंट हैं, इनको बेसिकली क्या है कि ईयर में प्रॉब्लम थी, बेसिकली ही रेफर्ड बाई सम मेडिकल एग्जामिनेशन इन द आर्मी रिक्रूटमेंट। बहुत बार क्या है, बच्चों के जब कान के पर्दे में होल होता है या पहले पर्दे में होल होता है, होल भर जाता है या कोई सफेद दाग होता है, उसके कारण आर्मी में उनको क्या है रेफर कर दिया जाता है। ऐसे ही इनका भी था, एक माइनर होल भी था और पहले का जो होल भरा हुआ जो फील्ड परफोरेशन, उसके कारण रेफर किया गया। इनका हमने ट्रीटमेंट किया जस्ट एक एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी, जिसमें क्या है कि पार्टिकुलरली ईयर ड्रम, जो कान का जो हमारा पीछे का हिस्सा होता है, वहां बच्चे को चीरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उसको आर्मी में वापस रेफर दे दिया जाता है। इसलिए इसको एंडोस्कोपिक टेक्निक से किया गया, जिससे आने वाले समय में जब भी इनका जो आर्मी में रिक्रूटमेंट हो तो इनको क्या है कि ईयर के रिगार्डिंग कोई वापस जो है वो रेफर वगैरह नहीं मिले। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा इश्यू है तो आपको डॉक्टर से इलाज कराने से पहले ही बोल देना है कि भाई मेरा आर्मी का इश्यू है, अदरवाइज आपने सर्जरी करा ली जाने अनजाने में और पीछे से स्कार आ गया तो फिर आपका जो है लाइफ लॉन्ग के लिए आर्मी में, क्योंकि वो आपको डिस्क्वालीफाई करते ही रहेंगे। थैंक यू।